नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, टाइम बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम दोनों जाने लग रहे हैं कहीं बहुत खास। एक बहुत मतलब काफी टाइम से सोच रहे थे लेने के लिए, बस पर वही है कि जब भगवान जी की कृपा हो तभी हो गया। तो आज हम लेने जा रहे हैं कुछ बहुत बड़ी, हम जैसे मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो, और ज़रूरत भी थी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ वैसे ही ली जाए, तो ज़रूरत के हिसाब से ही ली जाए। तो हम जा रहे हैं अभी दुकान पे और वहीं पे ही आपको दिखाएंगे कि हम क्या ले रहे क्या नहीं। और वैसे अभी लेट हो गया तो उसकी खुशी की जो मिठाई है वो मैं कल बनाऊंगी, आज तो नहीं बना पाऊंगी लेकिन कल ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, सरप्राइज है सबके लिए, ठीक है। तो जी, हम लोग चल दिए हैं मार्केट की तरफ और ये रात की मार्केट है पिंजौर की, तो ठंड काफ़ी है रात के टाइम। हालांकि अभी धूप निकल रही है 2-3 दिन से, लेकिन रात के टाइम ठंड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हम किसी बच्चे को अपने साथ लेके नहीं आए तीनों में से, क्योंकि ठंड का ही माहौल था। तो रात को तो ट्रैफिक भी यहाँ की सड़कों पर बहुत ज़्यादा रहता है, दिन से भी ज़्यादा। तो बस फिर इसलिए हम बच्चों को नहीं लेके आए, तो मैं और ये ही आए हैं बस लेने के लिए सामान। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या लिया है क्या नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये भी है कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना, भगवान के आशीर्वाद के बिना ये काम पूरा नहीं होना था। तो जी चलिए देखते हैं कि आखिर हमने लिया क्या है। नहीं, इसमें कलर तो नहीं आता ना भैया, और सिंगल ही आता है ना। अरे अपने आप बताया होगा, आते होंगे कलर ना। तो जी यहाँ पे ये कर रहे हैं कुछ इसकी सेटिंग, क्योंकि ये विंडो 11 का कंप्यूटर है, HP i5 जनरेशन का ये है। तो इसमें थोड़ी बहुत जो है सेटिंग करवानी थी, तो वो भी ये कर रहे हैं भैया। बैठ गया, हम ले लिया सिस्टम, क्या लिया हमने लैपटॉप। असल में इसमें कुछ क्या हो रहा है, टेक्निकली चीज़ें चाहिए तो आएंगे वेट करने के लिए, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा वेट करना हमें यहाँ पे। और क्या, बस वेट करेंगे थोड़ा सा, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। हमने लिया लैपटॉप HP का, सही है HP का है। आप लोग भी बताना कैसा है। कलर एक ही मिला इसमें, सिल्वर ही सोच रही थी, रंग बिरंगा सा मिल गया। नहीं, सिल्वर अच्छा। तो जी देखिए, बस इन्होंने जितनी सेटिंग इसकी करनी थी कर दी। हमने इसको वापस से पैक करवाया है, क्योंकि हमारा था कि हम अपनी बेटियों के हाथ से ओपनिंग करवाएं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं कान्हा जी के हाथ से या अपनी बेटियों के हाथ से लगवा के ही करते हैं। दोनों पार्ट लाओ मुझे, दोनों हाथ लग, पहला कान्हा जी का हाथ लगवा दो। दोस्तों, जो लैपटॉप लेकर आए थे आज हो रही है इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये अच्छा सा काम, एक सुंदर सा काम, सभी लड्डू गोपाल और बच्चों के हाथों से होता हुआ। तो जी देखिए, यहाँ पे बस इसकी करने लगे हैं अनबॉक्सिंग, और तीनों बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि मैं खोलूँ मैं खोलूँ मैं खोलूँ मैं खोलूँ। तो जी यही छोटे छोटे से खुशियाँ हम मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ी होती हैं। और इसको लेने के लिए हमने मतलब बहुत जी तोड़ मेहनत की है और बचत भी की, तब जाके कहीं ये लिया गया है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग देखते होंगे कि मतलब खर्च करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम बजट के हिसाब से ही खर्च करते हैं अपने, जो हमें लेना होता है। बाकी लैपटॉप के लिए हम कई महीनों से सेविंग कर रहे थे, तब जाके हमने ये लैपटॉप लिया है। और भगवान का आशीर्वाद है जी, हमें तो ये पता है कि जब भगवान की मर्जी हो तो बिना बोत के भी काम हो जाए, और जब भगवान की मर्जी नहीं होती तो चाहे बोत भी हो तब भी नहीं हो पाता। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चे करने लगे हैं
कंप्यूटर इस पे लैपटॉप पे तिलक वगैरह लगा रही हैं दोनों बब्बो, और भाई भी कर रहा साथ में ही, कान्हा जी भी यहीं पे ही बैठे। तो सच में बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, और हमने भी नहीं सोचा था कि हम ले पाएंगे इसको, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इसके लिए सोच रहे थे, पर हर बार नहीं, कुछ ना कुछ अड़चन आ ही रही थी, तो इसलिए नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फाइनली ये हमारे घर आ गया है, और हम भी बहुत खुश हैं सारे के सारे। गाँव में मम्मी को बताया, आशु को, जिज्जा जी को, तो सभी ने ही, मतलब सभी को ही बता के तभी हम काम करते हैं, सारे एक दूसरे से पूछ के ही। हमने हमारी ओपनिंग की है और काफी टाइम बच्चे भी खुश हो खुश गए। हो गए। असल में बहुत दिन से सोच रहे थे तो भगवान चाहे मैं कभी मिलेंगे, तो मिठाई तो खिला दो बेटे सबको, बस 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 मिठाई तो सबसे पहले इसको खिला दो, कृष्ण कान्हा जी को खिला पहले तो जी देखिए, बस अभी मैंने दोपहर का खाना वगैरह बना के खा के अब मैं शाम के टाइम पे ये करने लगी हूँ। तो मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, और बार बार रुक के होता है, मतलब बस ये है कि कंटिन्यू नहीं रहता, अगर कंटिन्यू हो तो उसको देखें भी, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे बहुत टाइम से हो रही है बार बार। हर बार मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ तो वो इन्फेक्शन बता के मुझे दवाई दे देते हैं, लेकिन 5-4 दिन बाद फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम भी मुझे। तो इसीलिए मैं कुछ खास कर भी नहीं पाई, नहीं तो आपने भी देखा है कि पहले भी जब हमने कुछ खरीदा है तो मैं मतलब कुछ ना कुछ बनाती जरूर हूँ, लेकिन इस बार मेरे से नहीं हो पाया। पर फिर भी ये था कि मीठा तो कुछ ना कुछ बनाना ही था, तो दिन तो ऐसे ही निकल गया हमारा, पर मैं कहा चलिए अब तो रात होने वाली है तो रात के खाने में कुछ बना दूंगी मैं। तो इनको मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बनाना है, तो ये भी कहने लगे कि क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो इसी वजह से सिंपल सा सोच रहे थे कुछ बनाना। तो जी कपड़े वगैरह तय करके साफ सफाई सी करके टाइम बच गया है 7:30, और सुबह से मिठाई बनाने की सोच रही, अब तक नहीं बनाई, असल में लड्डू रखे थे तो इसलिए नहीं बनाई, पर अब खाने में मैं बना रही हूँ, बेसन का हलवा बनाऊंगी, और दूध रखा तो ये कह रहे थे कि नमक की रोटी, बेसन का हलवा और दूध हो जाएगा, तो मीठे का मीठा हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा। और वैसे भी आलू ही पड़े तो कुछ सब्जी है नहीं ऐसी खास, और ये देखो इसे मैंने बिठाया, अभी बांध का बदतमीज हो रहा है, बिल्कुल सबका मारने लगा, सारा दिन मारा, मेरे चिमटा मारा, इन्हें बेलन मारा और अपने जूते मारे फेंक के, ज्यादा बदतमीज हो रहा है, इसे खोल ना दियो आज कोई भी, और आज क्या कर दिया वो सारी के सारा ना तेल, अभी छिना देता हूँ ये, अब माचिस की तिल्ला जलाने लगी है, तो बहुत सिर में दर्द करने लगा। चलो जी पहले मैं खाना बनाने की तैयारी कर लूँ, बेसन का हलवा बनाना और आटा बनाना, दूध तो है बस, आज हमारा जो खाना होगा वो सिंपल होगा। असल में एक रीज़न इसका ये भी है कि मुझे मेरा मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो रही, पेट में दर्द हो रहा सुबह से, लेकिन मतलब सुबह से क्या मेरे ज़्यादातर रह ही पेट में दिक्कत सी, तो उसकी वजह से भी मैंने तला भुना चटपटा सा थोड़ा मैंने बंद करा खाना, ये भी कहने लगे कि सिंपल ही खा लेंगे सब, तो सिंपल ही बना लें। तो बस अभी मैं हलवा बना रही और बाकी आगे देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो जी मैं करने लगी हूँ रात के खाने की तैयारी, और जैसा कि मैंने बताया बेसन का हलवा मैं बना रही हूँ, और तबीयत की वजह से ही जो है मैं बना नहीं पाई कुछ भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आप नहीं, मैं बता रही नहीं दिखा रही, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मैं बीच में रुक रुक के काम को छोड़ छोड़ के मैं लेटती रही, क्योंकि जैसा दर्द उठता था एकदम से, बहुत ज़्यादा दर्द उठता था, तो उसकी वजह से फिर काम नहीं हो पाता था। तो बस फिर मैंने कहा चलिए थोड़ा थोड़ा सा कर लूँगी मैं, ज़्यादा तो भाग दौड़ में नहीं कर पाई कुछ भी, थोड़ा सा जो अपने से हो पाया वही मैंने किया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब हलवा बेसन का, तो यहाँ पे मैंने घी लिया है और घी पे डाल दिया है मैंने बेसन, तो मैं बिना नाप के ही ज़्यादातर चीज़ें बनाती हूँ और उनका आइडिया भी सही रहता है मुझे। और इधर दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है पानी उबलने के लिए, चीनी नहीं डाली है उसमें, तो बेसन को कम आँच पे भुनेंगे, तो जितना कम आँच पे ये भुनेगा उतना ही अंदर तक जाएगा और हलवा जो है हमारा बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए हमारा बेसन जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन गया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा पानी डाल दूंगी, तो एक बार में मैं इसलिए नहीं डाल रही ज़्यादा क्योंकि छींटे लगती हैं बहुत, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डाल रही हूँ, जितना आपको गाढ़ा खाना है उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए,
और जब हलवा बेसन जो है सारा पानी ले ले, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे चीनी। और देखिए चीनी डालते ही जो हलवे का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है चीनी के साथ ही, तो मैं चीनी बाद में डालती हूँ। इससे बस ये रहता है कि मतलब एक आइडिया से करती हूँ मैं कि एक कटोरी के लगभग ही जो है मैंने बेसन लिया था और उसी हिसाब से फिर मैं चीनी ले रही थी। तो देखिए हलवा बन गया है यहाँ पे और अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो रोटी के लिए मैं आटे में डाल रही हूँ नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जीरा, और इसका मैं लगा लूँगी एक सॉफ्ट आटा। तो मैं लेकिन मैं सही में बताऊँ, मुझे नमक की रोटी बनाना इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब नमक डालते हैं ना आटे में तो रबड़ की तरह खिंचने लगता है, तो मुझे वो रोटियाँ बनाना फिर अच्छा नहीं लगता। नमक की रोटी बनाने से मैं बहुत बचती हूँ, पर फिर ये कहने लगे कि इंदू रोटी नमक की बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मुझे भी जैसा हल्का फुल्का सा ही खाना है तो दूध वगैरह के साथ खा लूँगी मैं भी। तो बस थोड़ी सी परेशानी भी थी, खुशी भी थी उतनी, और परेशानी भी, मन भी दुख रहा था कि इतने टाइम के बाद कोई चीज़ ली हमने लेकिन नहीं कर पा रहे उसके लिए हम अच्छी तरीके से सेलिब्रेट। पर जी चलिए कोई बात नहीं, भगवान ने हाथ पैर चलाए हुए हैं, इतना ही बहुत है आज के टाइम में, सुख दुख तो लगा ही रहता है। तो चलिए बस अब जब मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ, दूध मैंने कर दिया है मीठा और रोटी भी सेक दी है, कटोरियों में लगा दिया है मैंने हलवा, और ठंड है तो इतने में ही हलवा ठंडा भी हो गया, फिर वापस से मुझे दोबारा गर्म करके देना पड़ा सबको। तो इनको सबको मैंने बैठा दिया है, मैंने कहा आप लोग खाओ और मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी, तो गरम गरम सी रोटियाँ अच्छी लगती हैं। उसके बाद खाना वगैरह खा के मैंने किचन के बर्तन वगैरह सारे साफ़ किए सारा कुछ। तो देखिए बस यहाँ पे अभी क्या बोल लग रहे हैं इसे, नहीं जी बर्तन नहीं मैंने साफ़ किए थे, वो मेरी तबीयत सी हो गई थी ज़्यादा ख़राब, तो बस ये भी कहने लगे कि इंदू रहने दे अब ना कर और रेस्ट कर ले, सुबह को कर लिए। तो मैं कहा चलो जी सुबह को कर लूँगी, क्योंकि कई बार देखिए कई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, शरीर भी उतना ही ज़रूरी है जितने की और काम है। तो बस देखिए अब यहाँ पे हम रात को लेटने की कर रहे हैं तैयारी। तो जी खाना खा के अब कर रहे हैं लेटने की तैयारी। और कृष्णा की बीमारी, अपना कृष्णा तो गंदा हो रहा, जिद्दी हो रहा बहुत ही, अभी वो पिटागा बहुत जोर जोर से है ना। तो जी आज जैसा लैपटॉप लाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये, कि इतनी बड़ी चीज लैपटॉप सोचा ही जा। हाँ, 6-7 महीने हो गए सोचते सोचते, अब लेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद और आपके प्यार सपोर्ट से ही ये काम हुआ है। तो जी हमें तो ये पता है, हमारी तो जितना भी जो भी हमारे पास है उसमें जितना भगवान का सपोर्ट है उतना ही आप लोगों का भी है, भगवान का आशीर्वाद। और आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो खैर कहाँ यहाँ तक आया जाता इतनी दूर। पर फिर भी ये है कि अपना जो छोटी छोटी सी चीजें हो, और एक गधे से चुप भी हो जाकर, फोन मम्मा ले रही ना, अभी देंगे तुझे। डैडी ले रहे थे जो काला वाला, अभी दे रही मैं ढूंढ कर काला वाला, इधर पड़ा होगा। तो जी बच्चों के साथ तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, और तबीयत जैसी थोड़ा नासाज सी है तो जल्दी लेटने की सोचती, जल्दी लेट जाएंगे। और वैसे भी है रात को जितना मर्जी जल्दी लेट जाओ, जितना मर्जी देर तक लेट जाओ, सोएंगे देर। सुबह को तो उठा नहीं जाता, मतलब अब भी ठंड का प्रकोप इतना है, ठंड का प्रकोप मतलब इतना है कि पीर सी लग रही है। लगा बहुत बोलने लगा। जो आप लोगों की सपोर्ट से इतना बड़ा काम हुआ है तो इसके लिए आप सभी को हम हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहेंगे। और सबसे मेन चीज है कि कई चीजें ऐसी होती हैं लाइफ की, चाहे सामान कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब तक एक सहमति नहीं बनती तब तक ली भी नहीं जाती, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जब तक सहमति भी नहीं बनती और जब तक मर्जी नहीं होती। हाँ। जब काम होने हो ना तो फिर एकदम से हो जाए, जब नहीं होने होते चाहे सारा सामान तैयार रखा तो वो भी दरा का दरा रह जाए, और जब काम होना हो चाहे कुछ भी तैयारी ना हो फिर भी हो जाए। पर जी हम तो इसी चीज में यकीन करें कि भगवान जो देवे अपने हिसाब से टाइम पे देवे, टाइम पे ही में काम हो जाए। बाकी तो जी खैर ऊपर वाले को पता क्या सही क्या गलत। तो जी चलिए बस फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय।